तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम तेरा हलवाना में पहुंचे हैं। जी हां, आप देख सकते हैं समय पार्षद वार्ड नंबर 3 से सचिन कुडरपुरी समय अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं खाद्य सामग्री लेकर। और जहां पर जो डेरे में रहते लोग हैं, यहां पर डेरा हलवाना में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए समय जो बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ पर पहुंचे हैं और उनको खाद्य सामग्री देने के लिए समय पहुंचे हैं। आप लोगों से अपील करेगी खबर को लाइक और शेयर करते हैं। देख सकते हैं डेरा शिकलीग्रान में पहुंचे वार्ड नंबर 3 से पार्षद सचिन कुडनपुर अपने साथियों के साथ यहां पहुंचे और खाद्य सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से बाढ़ ग्रसित एरिया ये पड़ता है, यहां पर लोगों को इस समय, ग्रामीणों को इस समय आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। उसकी लाइव तस्वीर आप इस समय गाँव डेरा शिकलीग्रान से देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद पहुँचे हैं खाद्य सामग्री लेकर के। बाढ़ ग्रसित एरिया ये पड़ता है, यहाँ पर कहीं कहीं फूल तक जो है पानी खड़ा हो चुका है। और आज वार्ड नंबर 3 से पार्षद यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय लोगों से भी मिलते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इसमें तो आप देख सकते हैं। समय डेरा हलवाना में समय खाद्य सामग्री लेकर के पहुँचे सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं खाद्य सामग्री के लिए समय ज़्यादातर लोगों की सहायता की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं समय आगे आए हैं, इस समय सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं और जिसमें पानी, बिस्कुट, दूध, फल, तो इस तरीके के जो खाद्य सामग्री है वो यहाँ पर लेकर के पहुँचे हैं और लोगों को के साथ इस समय मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से बाढ़ ग्रसित एरिया ये पड़ता है, सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ता है क्योंकि जमुना से लगता एरिया है यहाँ पर। तो जिस तरीके से उनके लिए खाद्य सामग्री समय लेकर के पहुँचे हैं और लोगों से भी रूबरू होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप गाँव डेरा हलवाना से देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए समय खाद्य सामग्री देते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, लोगों की समस्याएं सुनते नज़र आ रहे हैं, बाढ़ ग्रसित एरिया में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और खाद्य सामग्री, चाहे पानी की बात करें, फ्रूट्स की बात करें या फिर बिस्किट्स की बात करें, तो दूध की बात करें, तो इस तरीके से जो लोगों के लिए राहत सामग्री समय देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय डेरा हलवाना से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय वार्ड नंबर 3 से पार्षद सचिन बुडनपुर इस समय अपने साथियों के साथ राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं और इस समय देख सकते हैं डेरा हलवाना में राहत सामग्री देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय डेरा हलवाना से देख सकते हैं, जहां पर वार्ड नंबर 3 से पार्षद इस समय अपने साथियों के साथ सचिन बुडनपुर पहुंचे हैं। लगातार बाढ़ ग्रसित एरियाओं का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दूध की बात करें, फल की बात करें या फिर फ्रूट्स की बात करें, तो अन्य तरीके के जो खाद्य सामान है वो यहाँ पर देते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय डेरा हलवाना से देख सकते हैं। वार्ड नंबर 3 से पार्षद सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ इस समय पहुँचे हैं खाद्य सामग्री लेकर के। लाइव तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय देख सकते हैं वार्ड नंबर 3 से जो पार्षद हैं सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ डेरा हलवाना में पहुंचे हैं और खाद्य सामग्री यहां पर लोगों को देते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से बाढ़ का कहर बढ़ता नज़र आ रहा है, बाढ़ ग्रसित एरिया ये पड़ता है, घरों में पानी घुस चुका है और यहां पर जो लोग हैं उनसे इस समय रूबरू होते नज़र आ रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए और खाद्य सामग्री इस समय देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डेरा हलवाना गाँव की आपको ये सीधी तस्वीरें इस समय जनता हलका पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं समय वार्ड नंबर 3 से पार्षद सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ खाद्य सामग्री देने के लिए डेरा हलवाना में पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, बाढ़ ग्रसित एरियाओं में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं और यहां पर क्या हालात हैं फिलहाल के लिए? यहां पर ये हालात हैं कि जो गाँव के बाहर का जो रास्ता है सभी रास्ते बंद हैं। आज हम भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि ये हमारे सारे इस गांव में नहीं, हर गांव के अंदर अपना कमालपुर, गडरियान, नगली, सैयद छपरा, जब्दी छपरा, अब रास्ता खुलना चालू है तो हम सभी गांव में लगातार 3-4 दिन से गांव का संपर्क टूटा हुआ था, आप लगातार वहां पर पहुंचे। अब पानी कम होने की वजह से यहां गाड़ी आज भी नहीं आ सकती है, जिस गांव में हम जा सकते हैं तो अब सभी गाँव में। तो आज यहाँ पर पहुँचे किस लिए आए हैं, लोगों का हाल चाल जानने, और क्योंकि ये मेरे पारिवारिक संबंध है इस गांव से भी और गांव से भी, क्योंकि यहीं से इन्होंने मुझे
जिला परिषद का सदस्य चुना था आपकी बार। आज खाद्य सामग्री लेकर के आए? हाँ जी, हाँ जी। और भी गांव का दौरा कर रहे हैं? हाँ जी, सभी गांव में जाएँ। हालात कैसे हैं अभी वहाँ? अब ठीक हैं गांव के अंदर, पर यहाँ पर अभी छत गिरी है। इस गांव के अंदर ही अभी दो बच्चे बेचारे घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। हॉस्पिटल पहुँचा दिया है, इसका अब और भी गाँव में जाएंगे दौरा करेंगे? हाँ जी जी, सभी गाँव में, मुसेपर, समसपुर, सैयद छपरा, जपदी छपरा, नगली, कमालपुर, जो है बेल टैकल, सोरा, सभी गांव के अंदर, लव क्रिकेट पट्टा, बिल्कुल बाढ़ ग्रसित एरिया है। डेरा हलवाना के जो ग्रामीण है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे हालात हैं अभी यहां के। बड़ी दिक्कत में है लोग जी, क्योंकि गमंतु परिवार है, किसी के पास ये ताजी दिहाड़ी करने आ रहे थे बेचारे, अब एक महीने तक कोई खेतों में भी काम नहीं रह गया है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहे हैं। ये तो बेचारे कुछ संस्था है, कुछ सचिन जैसे ऐसे महात्मा है बेचारे जो यहाँ पर ये दान कर रहे हैं, भाई कम से कम इनका चूल्हा ला दो, कम से कम रोटी तो शाम की करो आएगी। तो ये दो चार दिन कई कुछ ट्रालियाँ आई हैं जी, तो हमें तो आगे भी सभी के आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि यहाँ बेचारों पर जो ताजी दिहाड़ीदार मजदूर थे, आज इनके हालात जो हैं बद से बदतर हैं, घरों में भी रहने के लिए इनके लिए मतलब इतना स्थान नहीं है, पर फिर भी गाँव के लोग जैसे हम भी गरीब हैं, हमने भी जो 50-100 की सेवा थी ऐसे ही जोड़ जोड़ के रात को मतलब इकट्ठा पैसा किया है, भी थोड़ा थोड़ा राशन, जो इनके घरों में पानी है कम से कम वहाँ, तो वो लोग तो भूखे ना रहें, चूल्हा जलाने की जगह नहीं है। हमने कई बार मतलब वीडियो साहब को कहा है भाई कोई सिलेंडर प्रोवाइड करा दो, कोई ऐसा कोई सिस्टम बना दो कि कम से कम कोई सिलेंडर भी अगर मिल जाते हैं तो कम से कम चूल्हा तो कहीं ना कहीं बढ़ा लेंगे, लेकिन हमें नहीं एक पैसे की सुविधा सरकार की तरफ से मिली है बस। तो बाकी जी अधिकारी पहुंचे हैं? कुछ कोई अधिकारी नहीं आया जी, सिर्फ वो कांग्रेस वाले जो MLA थे वो अपना राकेश बिला, केवल वो ही आए हैं, आज तक कोई जिम्मेवार यहाँ मतलब जो अधिकारी है नहीं पहुंचा है। और जी हमें तो मतलब उम्मीद भी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही, अभी तक कुछ नहीं आया जी, कुछ भी नहीं आया है। अपने लेवल पे हम कर रहे हैं, या फिर आसपास के गांव जो हैं थोड़ी बहुत खाने की जो है हमें चीज़ें जो हैं सप्लाई कर रहे हैं। घरों में कितना कितना पानी था? घरों में जो है जी कम से कम 250 घर ऐसे हैं जिनमें कम से कम 4-3.5 फुट पानी है, बाकी कुछ आधा गाँव सूखा भी है, और बाकी उन मकान भी गिरा है। हाँ मकान गिर गया है, दो मजदूर, दो जो घर वाले हैं वो उनके नीचे दब चुके हैं, उनको ले के अब अस्पताल पहुँच गए हैं। ऐसी हालत हम अभी तो खैर अभी आप उसके उन हालात अभी हमारे सामने उनका मतलब हाल आया नहीं है, शायद करनाल लेके गए हैं जी। थैंक यू। सकते हैं समय डेरा हलवाना में मौजूद है जहां पर वार्ड नंबर 3 से पार्षद सचिन बुडनपुर अपने साथियों के साथ खाद्य सामग्री देने के लिए पहुंचे, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरिया है। जी हां, बाढ़ ग्रसित एरिया है और यहां पर ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब परिवारों से हैं, और गरीब होने के नाते जो सचिन बुडनपुर हैं यहां पर खाद्य सामग्री लेकर के पहुँचे हैं ताकि इन लोगों का गुजर बसर हो सके। जिस तरीके से बाढ़ के कारण इनका जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो अभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार खेतों में जो पानी है निरंतर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आपको लाइव तस्वीरें इस समय डेरा हलवाना से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय डेरा हलवाना से पंकज कुमार।